जबलपुर जुडिशियल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। जी हाँ, इस बात की जानकारी शहर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस संस्था की संस्थापक आराधना चौहान ने दी। मौका था इस संस्था के 7 वर्ष पूर्ण होने पर इसके स्थापना दिवस समारोह का। यहाँ पर नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई। श्रीमती चौहान ने बताया कि शहर के मेकअप आर्टिस्ट का एक दल दुबई में जाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करके आया है। इतना ही नहीं, उसने लंदन स्कूल एकेडमी से ISAS की डिग्री भी हासिल की। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में शहर के सीनियर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर गुमास्ता के द्वारा उन्हें यह प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में शहर के कलाकारों ने भी अपनी आकर्षक प्रस्तुति दी। इस दौरान श्रीमती चौहान ने बताया कि इस संस्था की नए कार्यकारिणी का गठन किया गया है और नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई है। शुरू हुआ था 7 साल पहले और तब हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद करते हुए सबको एक सूत्र में जोड़ा और सभी ब्यूटिशियंस को एक प्लेटफॉर्म कहकर कि हम सब साथ हैं और अपने अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हर महिलाएं घर से निकलने के पहले 10 बार सोचती हैं और कि हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं और हमारा क्या उद्देश्य है। और जबलपुर में ये ब्यूटिशियन पूरा ग्रुप जोड़ने के बाद सबको ऐसा लगा कि यदि हम साथ होते हैं तो अपनी मंजिल को पाने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए बहुत से बच्चे आगे दुबई जाकर भी जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, जैसे कि आज उनका सम्मान किया गया,
और गरीब कन्याओं के लिए भी हम सब ब्यूटिशियंस हमेशा तैयार रहते हैं कि उनकी इस रूप में मदद कर सके। हम अपने बिजनेस को रोजगार के रूप में तो करते ही हैं, साथ में हम समाज सेवा को किस रूप में आगे ला सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। और हम सभी आज जो नया कार्यकारी सदस्य पूरा बना है उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चाहती हूँ कि जैसे अब तक बहुत एक सूत्रता के साथ एक साथ काम करते हुए हम सब बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार में साथ रहे, वैसे ही आगे भी बच्चे काम करते रहेंगे। और सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आगे बढ़ने की बहुत बहुत प्रज्वल उज्ज्वल भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। मैं बस आगे कि जैसे हम अभी तक एसोसिएशन को